भारत की मर्चेंट नेवी कैप्टन राधिका मेनन को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने असाधारण बहादुरी के लिए सम्मानित किया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से सम्मान पाने वाली राधिका पहली भारतीय महिला है। भारत सरकार ने IMO अवार्ड के लिए मेनन को नामांकित किया था। राधिका मेनन ने जून 2015 में डूब रही दुर्गम नाव पर सवार सभी मछुआरों को बचाने के अभियान को सफल बनाया था। इन मछुआरों की जिस समय जान सांसद में फंसी थी उस समय भारी बरसात हो रही थी और संपूर्ण स्वराज नाम का जहाज उड़ीसा के गोपालपुर तट से 2.5 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद था। मेनन उस समय जहाज की कैप्टन थी और उन्होंने बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया। IMO ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सम्मानित किए जाने पर उन्होंने कहा, मैं यह पुरस्कार पाकर सम्मानित और अभिभूत हूँ। समुद्री सफर करने वालों का कर्तव्य है कि वह मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करें और मैंने यही किया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से समुद्र में बहादुरी दिखाने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी महिला को यह पुरस्कार दिया गया हो।